इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा जिले से, जहां एक बीएमओ की गुंडई सामने आई है। बीएमओ ने समाज सेवी संस्था की महिला अध्यक्ष को चांटा मारा है। मामले की शिकायत जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से की गई है। दरअसल मामला गुड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां के बीएमओ डॉक्टर कल्याण सिंह ने अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर मारपीट की है। मारपीट की शिकार हुई वेनिसल हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष श्लेषा शुक्ला ने पूरे मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की है। साथ ही मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि संस्था की संचालिका डॉक्टरों की टीम के साथ वृद्धों के मोतियाबिंद की जांच के लिए गुड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी, जहां डॉक्टर कल्याण सिंह ने पूरी टीम के साथ मारपीट किया है। बीच बचाव करने पहुंची श्लेषा शुक्ला के साथ भी मारपीट किया है। वहीं पूरे मामले को लेकर लग रहे आरोप पर डॉक्टर कल्याण सिंह से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा आई कार्ड देखने की बात कही गई थी और ये कहा गया कि मुझे किसी भी प्रकार के कैंप लगाने के निर्देश ऊपर से नहीं है, तो बाहर से आए लोगों ने हमला कर दिया था। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर श्लेषा शुक्ला ने और कल्याण सिंह का क्या कहना है। रामानंद पांडे बोल रहा हूँ, विराट 24 से। जी जी सर। आप सर, कोई घटना घटी क्या कुड़े में? हाँ सर। क्या थोड़ा सा बताइए ना, क्या कारण था, कैसे मारपीट हुई? हम लोग वो जो एक अभियान चला रहे हैं तो गांव वहाँ से वृद्ध जनों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन, तो वही गया थे, गुड़ में था, रायपुर में था और गोविंदगढ़ में था जी। तो वहाँ गया तो वही गुड़ के जो कल्याण सिंह सर हैं तो थोड़ी बदतमीजी करे, तो हमने बोला कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम वीडियो दे देंगे श्रीमती सर को। हाँ। तो हम वीडियो बनाने लगे तो वो आके मारपीट करने लगे, तो हमारी टीम को मारे, तो हम बीच में गए बचाने, तो हमको मारे, फिर हमारी पूरी टीम को मारे और गेट बोले गेट बंद करो, सबको देख लेंगे, बंधक बना के रखे हुए थे। अच्छा, तो कारण क्या था, आखिर ऐसी स्थिति क्या उत्पन्न हो गई? उनको हमने बात करी तो वो नॉर्मल, हमने बात करने का तो कारण ये था कि हमें कोई फंड नहीं आता है। हाँ। हमें कोई पैसे, तो सर हमने बोले सर हम फंड आपको नहीं दिला सकते, हमें जितना देते हैं कि यहाँ से 50 मरीज है, 11 बजे से 5 मरीज हैं। हाँ। तो हमें 2 बजे तक वहाँ देना पड़ेगा क्योंकि फिर सारी चीजें करने में टाइम लगता है। तो हो गया सर, वो पता नहीं, फिर बोलते हैं ये आपका कपड़ा है, आप ड्रेस ऐसे कपड़े पहन के आते, तो मैंने बोला सर कपड़े तो मैं अपनी मर्जी के पहनूंगी ना। बिल्कुल। तो बोले कि ये है वो है, फिर बोले हमारे पास कोई आदेश नहीं का ये दिखा हुआ। मैंने बोला सर आपको सारे आदेश है, ग्रुप में है, CMHO सर का है, BMO सर का मेरी बात हो रही है और ऑप्थेलिक असिस्टेंट जो है आई वाले डॉक्टर हैं उनसे मेरी बात हो रही है। पर हम इसी चीज में फिर हम लोग वीडियो गया हुआ कि वो बदतमीजी कर रहे थे, तो हमने बोला कि हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, बट हम ये बदतमीजी जो आप कर रहे हैं हमसे बिल्कुल, तो ये हम BMO सर को जरूर देंगे, सॉरी CMHO सर को जी। तो बोले आप CMHO को नहीं, कलेक्टर को दे दीजिए, SP को दे दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो शिकायत दर्ज कराई आप ये थाने में कि मारपीट की गई टीम के साथ? अभी सिर्फ ऐसा सर, हमने तो वीडियो ही वो कर दिया था, भेज दिया था और शिकायत नहीं की है अभी थाने में जाकर। अब लिखित आवेदन दिए क्योंकि सर देखिए बुजुर्ग लोग हैं बेचारे, वो हमारी लड़ाई तो चल रही है जो होगी तो ठीक है, पर बेचारे बुजुर्ग वो क्यों इंतजार करें, तो हम पहले उनका काम करवा दें फिर हम अपना काम तो कर लेंगे। चलिए, तो हम बुजुर्गों के लिए सर, हम बुजुर्गों का भी वहाँ गुड़ में करे, फिर रायपुर में करे, गोविंदगढ़ में हम लोग बुजुर्गों का, क्योंकि हमने उनको डेट दे दी, बेचारे हमारे इंतजार में बैठे हैं ना। तो ये डॉक्टर कल्याण सिंह वर्षी मारपीट में थे कि और कुछ कर्मचारी वहाँ के लोग? पूरे कर्मचारी थे, रिकॉर्डिंग है। ये अभी एक NGO संचालिका है तो उन्होंने कहा कि मारपीट, थोड़ा सा जानना चाह रहे थे आपका पक्ष, क्या मामला था भैया? उनके साथ में कोई मारपीट नहीं हुई, पहली बात है ना, यदि हुई है तो वो कोई वीडियो ऐसा दिखा दें कि उनके साथ में कुछ हुआ है। हम हॉस्पिटल में बैठे हुए थे, सुबह 9:30 बजे की बात है जी। हम मरीज वहाँ देख रहे थे, ये लोग अचानक वहाँ पहुँचे हैं, सीधे पहले हॉस्पिटल में घुसे हैं, हॉस्पिटल से फिर वापिस आए हमारे पास, कहे आपकी कोई व्यवस्था नहीं है, मैं कहा किस भी में आप व्यवस्था पूछ रहे हैं कि आज कैंप था? मैंने कहा हमारे विभाग से कोई ऐसे कैंप की वो नहीं है मोतियाबिंद का, हमें यहाँ से मरीज भेजने हैं, रीवा में कैंप है जी, है ना। फिर मैंने इनसे पूछा कि आप थोड़ा सा इतना दिखा दें कि आप अपना आई कार्ड तो दिखाएं, आप लोग हैं कौन, अननोन आदमी, हम तो कभी देखे नहीं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, आपका अधिकार है, आपका है ना, या कोई ऐसा आदेश आपको हो कि आप यहाँ ये व्यवस्था बनवाने के लिए किसी ने बोला हो तो वो दिखा दीजिए जी। तो इन्होंने कहा नहीं दिखाएंगे हम कुछ, और आपका कोई ये काम ठीक नहीं, वीडियो बनाने लग गया, 3-4 लड़के 5 लोग रहे टोटल जी जी। मैं कह वीडियो किस चीज का आप लोग बना रहे हैं, तो खुद ही CCTV कैमरे लगे हुए हैं पहले से जी। तो इस तरह का व्यवहार रहा उनका, एक वीडियो वायरल किया, मोटा सा था कि हमारे कर्मचारियों को मारे, फिर मुझे भी एक चाटा मार दिया। नहीं, वो लड़का जो मोटा सा लड़का है वो खुद ही मेरे ऊपर हाथ उठा दिया।
तब वहाँ लोग खड़े थे, वो लोग टूट पड़े इन पे खुद ही, आप वीडियो देखिए उसमें। जी जी, तो शिकायत आपने नहीं की कहीं कि अचानक आप शिकायत हम किए हैं थाने में, हम थाने से खुद ही पुलिस को मैं खुद लेके आया, मगर चलिए इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, कोई बाहरी आदमी है, कोई उनका इंट्रोडक्शन नहीं है, कोई किसी तरीके का आदेश नहीं दिखा रहे हैं जी, तो मैं तो खुद ही थाने से पुलिस वालों को लेके आया अपने साथ ही वहाँ पे, ये मैटर था वहाँ पे। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है।